कारण से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आया, किसको देता है ये श्रेय आप? देखिए, ये श्रेय मुख्य रूप पर तेलंगाना की जनता को ही जाता है कि जैसे आपके 10 साल हो गए, उनको अब बस करने का टाइम आ गया है। अभी चेंज करके देखें। 15 महीने के पहले कुछ भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। इधर का कांग्रेस नेता इन लोग एक के ऊपर आरोप पड़ रहे हैं, इंटरनल तो ज्यादा है। सो इसके क्या किया, क्या जादू किया पूरा मिलकर एक साथों के लिए एक ही कर दिया, कैसा? नहीं देखो, उसमें जादू की बात नहीं है, एक ही गोल है कांग्रेस पार्टी को लेके आना सत्ता। एक ही था। बाद में सभी नेता एक साथ होकर सब ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस अपने वादा पूरे करने के लिए कहाँ से लेके आएगा इतना पैसा? केसीआर जी ने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके स्पिरिट में उन्होंने गलत तरीके से बहुत खर्च किए हैं। क्या प्लानिंग है, क्या जीएचएमसी के लिए कांग्रेस पार्टी कोई रणनीति बना रहे हैं? देखिए, रणनीति एक ही है कि लोगों को विश्वास दिलाना। अभी चर्चा इसके बात हो रही है, क्या मुख्यमंत्री के पास पीसीसी का पद रहेगा या कोई नया पीसीसी आएगा? तुम उसके साथ बातचीत करेंगे कि रेवंत रेड्डी जी की? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए भारी जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव में 17 सीट जीने के लिए क्या टारगेट किया है, कितना सीट टारगेट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर दिया है पूरा जो हमारा प्लान है। क्या सोनिया गांधी जी की तेलंगाना से लोकसभा इलेक्शन में लड़े? हमारे सीएम ने प्रस्ताव रखा। हाल जिले में इसने 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार गया, को थोड़ा निराश हो गया, इसका कारण क्या हो? बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर नेशनल लेवल पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, मौजूद गठबंधन जारी रहेगा? कांग्रेस का बोझ क्या है महाराष्ट्र में, आपको कैसा दिख रहा है? तो मैं जरूर समझता हूँ कि महाराष्ट्र में भी बड़ी अच्छी स्थिति कांग्रेस पार्टी की रही। 12 महीने से इधर ही है, कैसा है तेलंगाना, तेलंगाना का लोग कैसा है, अभी कांग्रेस पार्टी का लीडर्स कार्यकर्ता कैसा लग रहा है आपको? खुशी तो बड़ी अच्छी है, जनता बड़ी अच्छी सोच रखती है। या बिरयानी भेज रहो, नॉन वेज रहो, सब बड़ा पैसे है, थोड़ा हमारे यहाँ चलता है, जैसे विदर्भ में भी पैसे हम खाते हैं।